अस्सलाम वालेकुम, हम जाफर सर, हमारे स्कूल का नाम है जिला परिषद प्राइमरी स्कूल सोगा उर्दू तालुक अंबाजोगा जिला बीड महाराष्ट्र। 100 दिन के पढ़ने की मुहिम का 12वां हफ्ता अदब गुरु 3 जमात शशुद तहस्तुम सरगर्मी है। रोजनामा अखबार पढ़ना, न्यूज पेपर रीडिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलशबा हफ्तुम जमात की तालिबा। आज हम रोजनामा हिंदुस्तान की खबर पढ़ रहे हैं। रोज एडमी हथियारों की धमकियां देने से बात रहे नाटो। बर्सलर्स नाटो की चीफ सचिनबर्ग ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर हमला नाटो और रूस के दरमियान एक जंग की सूरत अख्तियार कर सकता है। नाटो की सेना जनरल जनरल स्टोलनबर्ग ने बयान में कहा है कि रूस एटमी हथियारों की धमकियां देने से बाद है यूक्रेन पर केमियाई हथियारों से हमला किया गया है। जंग की नौीयत बदल जाएगी। उन्होंने कहा है कि नाटो यूक्रेन की हिमायत करता है, लेकिन जंग का हिस्सा नहीं। इस जंग को यूक्रेन तक महदूद रखना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर नाटो यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं है, ताहम किसी भी वक्त इत्यादियों की हिफाजत और दफा के लिए नाटो तैयार है। उन्होंने कहा कि एटमी जंग में जीत किसी की भी नहीं होती। रूस भी कभी कभी एटमी जंग नहीं जीत सकता। नाटो तनाजा का हिस्सा नहीं है, ताहम वो यूक्रेन की मदद फराहम करता रहेगा। नाटो चीफ ने रूस की हिमायत करने पर चीन और बेलारूस पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा है कि उम्मीद करता हूँ कि नाटो के मालिक चीन को इसकी जिम्मेदारियाँ याद दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान, मैं जमात हफ्तुम में पढ़ती हूँ। मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अमेरिका ने 1 लाख यूक्रेन बना गजीनों को कबूल किया और उसे यूक्रेन पर हमले के जवाब में अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों को उत्साहित दी। जुमेरात के रोज वक्त व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि मंडस और सेंट्रल बैंक के सोने की कानों को निशाना बनाया और चरखा में इसी वक्त के दौरान फराहम कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इस शुरुआत का ऐलान किया क्योंकि अमरीकी सदर चौथी के इजलास के लिए इकट्ठा हुए ताकि तनाजियात से इख्तियासादी और इस्लामती के तनाइज को महरूज करने के लिए तरीके तलाश कर सके।